तमाम पात्र, तमाम देवी देवता सतयुग में, सतयुग के देवी देवता त्रेता में कुछ और बने। तमाम देवी देवता त्रेता में जो थे वो द्वापर में कुछ और बन गए। सभी कीर्तनकार, बहुत कीर्तनकारों ने हमारे गाया, लेकिन द्वापर के पात्र कलयुग में क्या बने, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मन में मगन थे, मन से मददगार बन गए। पांडवों का शिविर लगा है, रात्रि का समय, सब सो गए। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा रात्रि में सोते समय उनके कक्ष में आए तो स्वयं देखा कि भगवान शंकर पहरे पर खड़े हैं। उनकी स्तुति वंदना करके, उनको मना करके वो अंदर गए, और जब अंदर गए तो पांडव के पांचों सोते हुए पुत्रों को मार दिया, दृष्टद्युम्न को मार दिया। ये खबर जब पांडवों को पहुंची तो देखिएगा, मन में मगन थे, मन से मददगार बन गए। मन में मगन थे, मन से मददगार बन गए। शंकर जी पांडवों के पहरेदार बन गए। कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आ गए। कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आ गए। आदेश आशुतोष से जाने का पा गए। तो करछल से दृष्टद्युम्न का संहार दिया है, करछल से दृष्टद्युम्न का संहार दिया है। सोते हुए पांडव सुतों को मार दिया है। अपने सुतों के मरने की जब पाई है खबर, अपने सुतों के मरने की जब पाई है खबर। समझे थे मन ही मन में, समझे थे मन ही मन कि दोषी है ये शंकर। पांडव समझे कि ये शंकर ही दोषी हैं। समझे थे मन ही मन में कि दोषी हैं ये शंकर। तो भर भर के उमावर पे वार करने लगे हैं। पांचों पांडव भर भर के उमावर पे वार करने लगे हैं, और पांचों ही पांडव प्रहार करने लगे हैं। विपदा से विश्वनाथ जी हैं विचलित हो गए। बाणों की वेदना से भगवान शंकर विचलित हुए, और तो किया क्या, विपदा से विश्वनाथ जी हैं विचलित हो गए। तो शिव में सभी के शस्त्र हैं समाहित हो गए। बाणों की वेदना से भगवान शंकर विचलित हुए, क्रोध में भर गए। तो ऐसी माया रची कि पांडवों के सारे अस्त्र भगवान शंकर के शरीर में समाहित हो गए। और जब समाहित हो गए तब कृष्ण जी आ गए, प्रार्थना करने लगे कि क्षमा कर दो इन लोगों को, भूल हो गई इन लोगों से। तो भगवान शंकर ने कहा, वध करने के क्या वध करने के योग्य हो ऐ पांचों पांडव, वध करने के योग्य हो, लेकिन वध ना करूं तुम्हारा। तुम वध करने के, मार देने के काबिल हो, लेकिन तुम्हें मारूंगा नहीं। वध करने के योग्य हो, लेकिन वध ना करूं तुम्हारा। मगर इसका फल कलयुग में भोगो है ये श्राप। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, और वो श्राप का परिणाम क्या हुआ कि कलयुग में युधिष्ठिर जी
मलखान आए हो। कलयुग में युधिष्ठिर जी बन के मलखान आए, अरे कलयुग में युधिष्ठिर जी बन के मलखान आए। तो उदल का रूप धर के, उदल का रूप धर के, अरे करुणा निधान आए। भगवान श्री कृष्ण उदल बन के आए शंकर जी के श्राप के कारण। कलयुग में युधिष्ठिर जी बन के मलखान आए, तो उदल का रूप धर के, अरे करुणा निधान आए। कलयुग में युधिष्ठिर जी बन के मलखान आए, युग में युधिष्ठिर जी बन के मलखान आए। तो उदल का रूप रख के, उदल का रूप रख के, अरे करुणा निधान आए। कलयुग में युधिष्ठिर जी अरे बन के मलखान आए। कन्हैया जी उदल बन के आए, और जहां तक मैंने पढ़ा के बलि भीम बने वीरण, वीरण वीरण बन करके वीरण नाम पड़ा कलयुग में भीम का। के भली ये बलि भीम बने वीरण, ब्रह्मानंद बने अर्जुन, बलि भीम बने वीरण, ब्रह्मानंद बने अर्जुन, और लक्ष्मण बने नकुल हैं। अब आगे कथानक सुन, अब आगे कथानक सुन, अब आगे कथानक। क्योंकि सहदेव देव सिंह, सहदेव देव सिंह अरे बन के महान आए। कलयुग में युधिष्ठिर जी अरे बन के मलखान आए। अंगुलष्ट प्रमाण भैया ने एक कथा बताई थी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि चौहान पृथ्वीराज, चौहान पृथ्वीराज, पृथ्वीराज कौन थे? चौहान पृथ्वीराज ने धृतराष्ट्र अंश पाया। जो धृतराष्ट्र थे वो कलयुग में पृथ्वीराज चौहान बन के आए। अरे चौहान पृथ्वीराज धृतराष्ट्र अंश पाया, और बन कर के बेला द्रौपदी। यहां विद्वान प्रबुद्ध श्रोता महान भाव उपस्थित हैं, सभी जानते हैं कि बन कर के बेला द्रौपदी, जो द्रौपदी थी वो बेला बन के आई। चौहान पृथ्वीराज ने धृतराष्ट्र अंश पाया, और बन करके बेला द्रौपदी ने विध्वंस है कराया। तो कहलाए कर्ण तारक, कर्ण का नाम तारक पड़ा, अरे कहलाए कर्ण तारक, अरे दुनिया ये जान जाए।
कहलाए कर्ण तारक। अरे दुनिया ये जान जाए कलयुग में युधिष्ठिर जी अरे बन के मलखान। अंतिम पंक्तियां देखिएगा, भगवान शंकर ने कहा मैं भी आऊंगा पांडवों की रक्षा करने के लिए। और भगवान शंकर क्या बन के आए कलयुग में कि मैं भोला भाला शंकर, शंकर मैं भोला भाला शंकर, रक्त बीज कहाऊंगा मैं भोला भाला शंकर, रक्त बीज कहाऊंगा और अपना ही अंश अपना आचार्य बनाऊंगा, आचार्य बनाऊंगा, आचार्य बनाऊंगा, आचार्य बनाऊंगा, अपने ही अंश को मैं अपना गुरु बनाऊंगा। और उनका नाम क्या होगा कि आह्लाद नाम होगा, आह्लाद नाम होगा अमर जिससे ज्ञान पाए, आह्लाद नाम होगा अमर जिससे ज्ञान पाए। कलयुग में युधिष्ठिर जी बन के मलखान। एक गीत हुआ, लेकिन एक छोटी सी कटपी देखिएगा। जब एक भक्त ने देखा अर्धनारेश्वर रूप तो भ्रमित हो गया। क्यों? वो देख रहा है और सोच रहा है आधी गौरा आधे भोला, आधी गौरा आधे भोला, सोहे आधा आधा चोला, सोहे आधा आधा चोला, आधी गौरा आधे भोला, सोहे आधा आधा चोला। तो दिल मेरा देख के बोला उई मा उई, अब समस्या उई मा उई। अरे दिल मेरा देख के बोला उई मा उई, या उई मा उई, दिल मेरा बोला होला हो नहीं, या उई मा उई, या उई मा उई, या उई मा उई, या उई मा उई, या उई मा उई।
भैया, दिल मेरा देख के बोला उइमा उई या उइमा उई, क्योंकि आधे वो है आधे वो है, तो समझ में नहीं आ रहा है, वो भ्रमित हो गया कि दिल मेरा देख के बोला उइमा उई या उइमा उई, दिल मेरा देख के बोला उइमा उई या उइमा उई, देख के बोला उई मा उई या उई मा उई, दिल मेरा देख के बोला उई मा उई या उई मा उई, अरे दिल मेरा देख के बोला उई मा उई या उई मा उई, दिल मेरा देख के बोला उई मा उई। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। एक ने कहा, एक बोला श्री राम बड़े हैं। देखिए मैं कहां की बात कर रहा हूं। एक ने कहा, आप एक भक्तिकार बात कर रहे हैं, मैं दो भक्तों की बात कर रहा हूं। एक ने कहा श्री राम बड़े हैं, दूजा कहे नंदलाल। दूसरे गाना भगवान कृष्ण बड़े हैं। दोनों की बातें सुनकर दोनों को हुआ मलाल। जब दोनों झगड़ने लगे, शांत रहे, जब दोनों झगड़ने लगे, जब दोनों भक्त उलझने लगे, तो भगवान ने ऐसी माया की के दोनों एक ही में बन के आ गए। उनमें एक है अर्जुन और एक है हनुमान जी। जब दोनों देखा, हनुमान जी ने देखा कि ये तो हमारे प्रभु श्री राम है, उन्होंने मस्तक झुका दिया, प्रणाम कर लिया। और अर्जुन देख रहे हैं कि हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण है, वो भी प्रणाम कर रहे हैं, मस्तक झुका रहे हैं। बस ये प्रसंग है। जब आप सुनिए, आपने कहा भक्ति बोले देखो उई मा उई, तो रामकृष्ण दोनों दिखाई पड़े के रामकृष्ण को देख के डोले, अर्जुन बजरंग दोनों बोले। चमत्कार कैसा है एक मधुई, एक मधुई एक है, वो उनको देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, पूरे पूरे आधे टू इन वन। क्या बात है के रामकृष्ण को देख के डोले, अर्जुन बजरंग दोनों बोले। चमत्कार कैसा है एक मधुई, है एक मधुई चमत्कार कैसा है एक मधुई। हमारे लखनऊ जनपद के सुविख्यात कीर्तनकार, सुविख्यात लेखक और अपने आप में अपनी पहचान रखने वाले आदरणीय श्री रसिकराज जी, जिनके नाम पर श्री मोहन जी का नाम मोहन रसिक पड़ गया। हाँ, अगल बगल है, क्या बात है जी। हाँ, तो आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, धन्यवाद है आशीर्वाद स्वरूप। ये कुछ पहाड़ और ये पुरस्कार प्राप्त है 10 रुपए का। मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था कि सलोना जी का पुरस्कार, जो हमसे छोटे हैं, उनकी ओर से पुरस्कार आ रहा है, किसी अग्रज की ओर से नहीं आ रहा, लेकिन आशीर्वाद मिल ही गया। जय हो, धन्यवाद है। रामकृष्ण को देख के डोले, अर्जुन बजरंग दोनों बोले। चमत्कार कैसा है एक मधुई, एक मधुई चमत्कार।
कटबीसरा, क्षमा करिएगा कि यही तो बात है। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जवाब की बात यह कि जहां तक प्रयास बनेगा वहां तक करूंगा, नहीं बनेगा तो हाथ जोड़ लूंगा, नहीं बना नहीं बना, बन गया तो बन गया। अब आइए वहां पर चलते हैं, महोबा की तरफ चलते हैं। महोबा यानी आला उदल मलखान, आला उदल मलखान की तरफ। देखिए कोई भी कटाक्ष वहां से उछालिए मत, इस बात के आदि हम नहीं हैं कि वो सब, ये सब बहुत जो आप कर रहे हैं ना, ये बहुत पीछे छूट गया, 50-40-50 साल पीछे छूट गया। लेकिन हमको लग रहा कि कोई बहुत ही पुराना बैठा हुआ ये व्यक्ति, जिसको अब नियम मालूम नहीं है कि लोग कीर्तनकार का कितना सम्मान करते हैं, कैसे सुनते हैं। ये कोई ऐसे ही व्यक्ति पुराना बैठा हुआ है, नया नया आ गया है, आ गया क्या, ऐसे कोई आ गया है। सुनिएगा, आप शांत रहिएगा, अच्छा लगेगा। लोग बैठे हुए हैं कहीं, सब लोग हंसने लगे आपकी तरफ। गीत आपका आया, मैं प्रयास करूंगा, इधर उधर भागने की कोशिश नहीं। सुनिएगा, सुनकर के गीत मेरे, वाह क्या बात, सुनकर के गीत मेरे दिल में ख्याल आए, सुन कर के गीत मेरे दिल में ख्याल आए, सुन कर के गीत मेरे दिल में ख्याल आए, बासी कढ़ी में जैसे, वाह 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 वाह, आला उदल को लोग भूल गए थे लेकिन आपने याद दिलाया, बासी कढ़ी में जैसे फिर से उबाल आए, जनपद के